हेलो एवरी वन वेलकम टू अभी पावर्ड बाय बाई अभिमन्यू आई एस माई नेम इज़ बारका मिर्जा एंड आज मैं आपके लिए कुछ एम सी क्यू क्वेश्चन लाई हूँ रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमी विच इज़ फॉर आर बी आई ग्रेड बी जैसे कि हमें पता है नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाली है तो आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है नोटिफिकेशन आते ही हमें ज़्यादा समय नहीं मिलता है अपने प्रिपरेशन को और बूस्टअप करने के लिए बहुत कम समय मिलता है टू क्रैक आर एग्जामिनेशन तो आपको अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी है बूस्ट अप कीजिए अपने प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन अप कीजिए टू क्रैक योर एग्जामिनेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना रहता है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद हम अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे नहीं भाई ऐसा नहीं होता है नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत कम समय बचा रहता है हमारे पास है कि नहीं तो आप नोटिफिकेशन से पहले ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए ताकि ये कोई भी एग्जामिनेशन आप ले लो किसी की एग्जाम कोई भी एग्जाम किसी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो नोटिफिकेशन का वेट आपने नहीं करना है अगर हम पिछले बार की आर की ही पेपर की बात करें तो क्वेश्चन वेर नॉट ईजी क्वेश्चन बहुत टफ पूछे गए थे एग्जामिनेशन में है कि नहीं तो आपने ध्यान देना है अपनी प्रिपरेशन को अभी से ही स्टार्ट कर देनी है टू तो क्रैक योर एग्जामिनेशन ठीक है तो आज हम कुछ एम करेंगे रिगार्डिंग इंडियन इकॉनॉमी सो बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको हमेशा कहती हूँ प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को जब भी हमारी लेक्चर्स होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड आपने क्या करना है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है लेक्चर को ठीक है चलिए पहला क्वेश्चन रिगार्डिंग इंडियन इकॉनॉमी

तो इट इज एन अरेंजमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर फॉर द प्रोविजन ऑफ पब्लिक एसेट्स एंड ऑल्सो सर्विसेज। पहला स्टेटमेंट में आपको ये कह रहा है कि ये क्या है एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द गवर्नमेंट एजेंसीज एंड प्राइवेट सेक्टर के बीच जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती है फंड प्रोवाइड करती है प्रोविजंस ऑफ पब्लिक एसेट्स व्हिच इंक्लूड्स पब्लिक सर्विसेज टू

तो इनमें से इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है विच ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट ध्यान से पढ़ना है आपको इसमें से आपको पूछा गया है कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि गलत है ए वन ओनली बी टू ओनली सी बोथ वन एंड टू या फिर डी नेदर वन नॉट टू अगर हम पब्लिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की बात करें तो बेसिकली ये क्या है एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द प्राइवेट एंटिटीज एंड गवर्नमेंट एजेंसीज है कि नहीं जो कि प्रोवाइड करती है एसेट्स एंड सर्विसेज इन विच ज्यादातर पार्टिसिपेशन ज्यादातर अगर रिस्क ज्यादा एंटायर रिस्क नहीं ज्यादातर अगर रिस्क फैक्टर रहता है तो किसको रहता है प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेट एंटिटीज को है कि नहीं सो इट इज़ एन अरेंजमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर फॉर द प्रोविजन ऑफ पब्लिक एसेट्स एंड ऑल्सो इंक्लूड्स पब्लिक सर्विसेज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट है कि नहीं सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें इन सच टाइम ऑफ अरेंजमेंट द रिस्क इज एंटायरली शेयर्ड बाय द प्राइवेट एंटिटी द रिस्क इज नॉट एंटायरली पूरा का पूरा रिस्क इज नॉट शेयर्ड बाय द प्राइवेट एंटिटी रिस्क जो है वो आधा आधा में बढ़ता है बट ज्यादातर हमें देखने को मिलता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है जो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम हमें पता है कि जो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट जिसका होता है तो रिस्क फैक्टर उसी के हाथ में है कि मान लो हमने दस लाख इन्वेस्टमेंट किया तो हमें उसका कितना प्रॉफिट मिलेगा आउटपुट कितना मिलेगा दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंटायरली पूरा जो रिस्क है वो प्राइवेट एंटिटी शेयर नहीं करता है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज योट करेक्ट दट इज प्राइवेट एंटेटी वाल ठीक है तो बी टू इज नॉट करेक्ट है कि नहीं <coughs> अगर पीपी पी की, पी -की मॉडल पीपीबी -पी मॉडल की बात करें तो जो गवर्नमेंट एजेंसीज एंड प्राइवेट सेक्टर्स दोनों ने मिलकर जो सर्विसेज एसेट जो सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट अंडर पीपीपी डिफाइंड हुआ है अगर रिसेंटली अगर हम बात करें दैट इज मुद्रा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कृष्णा पटनम अल्ट्रा पावर मेगा पावर प्लांट एलएनटी हैदराबाद मेट्रो रेल प्राइवेट लिमिटेड के एसके महानदी पावर कंपनी लिमिटेड तो ये सारे रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं अंडर पीपीपी जिस पे वर्कआउट चल रहा है ठीक है आपको क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन जो स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा आपको स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है थोड़ा भी एक वर्ड का भी ऊपर नीचे फर्क अगर आपको दिखा आप जल्दी जल्दी में आप टिक हो लेकिन वो छोटी सी गलती की वजह से आपका वो आंसर रॉन्ग हो जाता है जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में देखा एंटायरली तो रिस्क पूरा का पूरा शेयर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर जो पूरा रिस्क है वो बेयर नहीं करती है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पीपल इंगेज इन विच सेक्टर ऑफ द इकॉनमी आर कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर्स डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में वर्कर्स जो है पब्लिक जो है वो काम करती हैं तो रेड कॉलर वर्कर्स हम किसे कहते हैं वो कौन से सेक्टर में ज्यादा देखने को मिलती हैं हमें प्राइमरी में सेकेंडरी में टर्शरी में क्वानरी में या फिर नन ऑफ अबव रेड कॉलर वर्कर्स हम किसे कहते हैं अगर हम प्राइमरी की बात करें प्राइमरी सेक्टर बेसिकली क्या होता है जहाँ पे नेचुरली प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपको देखने को मिलते हैं नैचुरी फॉर एन एग्जाम्पल हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर है कि नहीं फिशिंग फॉरेस्ट्री माइनिंग तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे आ जाती हैं हमारी प्राइमरी में सेकेंडरी में क्या हो जाता है कि जब रॉ मेटीरियल जो है हमें रॉ मटेरियल्स कपड़ा का टुकड़ा मिल गया हमें कपड़ा मिल गया अब उस कपड़े को हमें क्या बनाना है जींस बनाना है शर्ट बनाना है क्या बनाना है तो रॉ मटेरियल्स हम कन्वर्ट करते हैं फिनिश प्रोडक्ट्स में है कि नहीं एट द टाइम ऑफ मैन्यूफेक्चरिंग तो ये का, क्या कहाँ पे आ जाता है हमारा सेकेंडरी में टर्शरी क्या हो जाता है कपड़ा बन के तैयार हो गया है हमारा

डोमेस्टिक क्लीजिंग सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे तो ये सारे क्या है एग्जाम्पल्स ऑफ क्वानरी सेक्टर तो रेड कॉलर वर्कर्स हमें कहाँ देखने को मिलती है प्राइमरी सेक्टर में द पीपल हु आर दो इन दिस सेक्टर इकोनॉमी आर कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर्स तो वो कहां पे हमें देखने को मिलता है हमारा प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर में फिशिंग में माइनिंग में फॉरेस्ट्री में ठीक है people engaged in the primary activities are called red collar workers due to the outdoor nature of their work we call them the red collar workers ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन को प्लीज गाय ज्यादा से ज्यादा आपने शेयर करना है अगर अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक ऑल्सो ओके चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्रीज इनमें से कौन सा ऐसा एक्टिविटी या पार्टिकल्स है जो कि इंक्लूडेड है अंडर दी इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्रीज ऑप्शन आर ए क्रूड ऑयल सेकेंड वी हैव सीमेंट थर्ड वी हैव आयरन फोर्थ वन वी हैव कोल एंड फिफ्थ वन वी हैव ऑटोमोबाइल्स सेलेक्ट करेक्ट कोड ए वन एंड टू एंड फाइव बी वन थ्री एंड फोर सी टू थ्री एंड फाइव या फिर डी वन टू एंड फोर या फिर ई सबका सब क्रूड ऑयल सीमेंट, आयरन कोल एंड ऑटोमोबाइल इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्रीज क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन अगर हम एट कोर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी वन टू एंड फोर क्रूड ऑयल ट एंड कोल आर इंक्लूडेड अंडर एट कोर इंडस्ट्रीज अगर हम एट कोर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो एट कोर एंड इंडस्ट्रीज के अंदर और भी प्रोडक्ट्स आते हैं दैट इज इलेक्ट्रिसिटी स्टील रिफाइनरी प्रोडक्ट क्रूड ऑयल कोल सीमेंट नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर बेसिकली ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है बाय द ऑफिस बाई द ऑफिसर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर एंड डी आई डबल पी दैट इज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रोमोशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड ये रिपोर्ट जो है ये मंथली प्रोडक्शन इंडेक्स रिपोर्ट है जो कि मंथली जारी किया जाता है ज्यूरिंग दी फॉर दी इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस की एक्चुअली जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इंडस्ट्रियलाइजेशन का परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है हर मंथ दैट इज द इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्रीज तो आपने ये याद रखना है ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है द ऑफिसर ऑफ इकोनॉमिक सॉरी ऑफिसर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर डी आई डबल पी दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ओके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एग्जामिनेशन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वट डू यू अंडरस्टैंड बाई द टर्म सनराइज इंडस्ट्री सनराइज इंडस्ट्री हम किसे कहते हैं ऑप्शन आर इट इन इट इज एन इंडस्ट्री वेयर अ वर्कर निड नॉट रिक्वायर एज मच प्रोफेशनल ट्रेनिंग एज वाइट कॉलर प्रोफेशन ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पर आपको ट्रेनिंग की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है सेकेंड अ टर्म यूज फॉर अ सेक्टर दैट इज जस्ट इन इट्स इन फैंसी बट शोज प्रोमिस ऑफ रेपिड ग्रो मतलब एक छोटा सा इंडस्ट्री है जिसका स्टार्टअप है बट वो आगे चल के अपनी प्लानिंग करेगी स्ट्रेटेजीज बनाएगी टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव थर्ड दीज आर स्पेशलाइज टर्चरी इंडस्ट्री इन दी नॉलेज सेक्टर विच डिमांड्स अ सेपरेट क्लासिफिकेशन या फिर डी एन इंडस्ट्री ऑफ होम बेस्ड वर्कर और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर और अ वेज वर्कर सनराइज इंडस्ट्री हम किसे कहते हैं सनराइज इंडस्ट्री अगर हम वर्ल्ड ही देखें सनराइज कि एक स्टार्टिंग कोई भी चीज की अगर हम स्टार्टअप करते हैं मान लो हमारे पास पैसा है दस हजार ही है तो हम सोच रहे हैं कि दस हजार को हम कैसे इन्वेस्ट करें टू अर्न प्रॉफिट दस हजार है हमने प्लानिंग करी कि हाँ डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज पे हमें स्पेंड करना है हमें वर्कर्स भी रखने हैं हमें मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट खर्चा है हमें करना है बट एक दिन ऐसा होगा कि हम इस खर्चे से मतलब इतन, इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमें प्रॉफिट मिलेगा जरूर मिलेगा है कि नहीं बट उसके लिए मेहनत की जरूरत है टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स तो सनराइज इंडस्ट्री बेसिकली क्या है अ टर्म यूज फॉर अ सेक्टर दैट इज जस्ट इन इट्स इंफेंसी बट शोज प्रॉमिस ऑफ अ रैपिड ग्रूम मतलब हमने बिजनेस तो स्टार्ट किया है बट हमारे अंदर ऐसी ऐसी हम एक्टिविटीज करेंगे हम प्लानिंग करेंगे हम स्ट्रेटजीज बनाएंगे हम इंप्लीमेंटेशन भी करेंगे टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल इज इंडस्ट्री ठीक है इट इज अ टर्म यूज फॉर द सेक्टर दैट इज जस्ट इन इट्स इंफेंसी बट शोज प्रोमिस ऑफ अड्रूम इन्वेस्टमेंट किया है दस हजार का आगे चल के हमें पचास हजार का प्रॉफिट होगा फिर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे फिर आगे चल के हमें एक लाख का प्रॉफिट होगा तो ये क्या है इंडस्ट्री है सनराइज अभी स्टार्टअप है धीरे 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 हम ग्रो करेंगे ओके चल नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग और दर दैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड्स इसमें से कौन सा ऐसा है जो पब्लिक गुड के कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है अंडर ए नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी सेकेंड राइवल कंजाम्शन सी रिजेक्टेबल्स सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो ए वन ओनली बी वन एंड थ्री ओनली सी टू ओनली या फिर डी थ्री ओनली या ई ऑल वन टू एंड थ्री अगर हम पब्लिक गुड्स की बात करते हैं तो पब्लिक गुड्स क्या हो गया हर एक गुड्स जो हमें हमारे कंजम्पशन पे आता है खाना पीना रहना सहना कहीं अगर हम जाते हैं रोड्स रेलवेज पब्लिक पार्क्स हम जो यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में पब्लिक गुड्स के अंदर आता है, है कि नहीं तो इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो पब्लिक गुड्स के अंदर आती है इज और ऑफ़ पब्लिक गुड्स ओनली वन ओनली दैट इज नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी राइवल कंजम्पशन एंड रिजेक्टेबल्स आर नॉट कम अंडर पब्लिक गुड्स ऐसी चीज नहीं है दैसी कि जो हम फॉर एन एग्जाम्पल हम जो एयर ब्रीथ करते हैं पब्लिक पार्क्स जो यूज करते हैं पार्क्स में जाते हैं जो सामान हम कंजन के लिए यूज करते हैं तो क्या हम उसे एक्सक्लूड कर सकते हैं अपनी लाइफ से हवा बिन, बिना हवा के हम सांस ले सकते हैं नहीं है कि नहीं तो पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी राइवल कंजम्प्शन राइवल कंजम्पन की अगर हम बात करें तो जरूरी नहीं है कि एक बंदा जो चीज यूज कर चुका है उसी चीज़ को हम यूज़ नहीं कर सकते हम दुकान जाते हैं रिटेलर्स के पास जाते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स खरीदते हैं बट उस रिटेलर के पास भी ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट अगर उसने ए को दिया है तो बी के लिए वो सेम प्रोडक्ट उसके पास नहीं है अगर ए उस प्रोडक्ट को यूज़ कर चुका है तो ऐसा नहीं है कि बी के बी अब वो प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकता कर सकता है भाई तो पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवल कंजम्शन एंड इट इज नॉट रिजेक्टेबल नॉन रिजेक्टेबल है कि नहीं पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स दैट कैन बी कंज्यूम्ड साइमिलटेनियसली बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक चीज अगर ए को मिल रही है तो वो सेम चीज बी भी यूज करता है सी डी ई एफ जी डिफरेंट डिफरेंट पीपल यूज कर सकते हैं दैट आर पब्लिक गुड्स अगर रोड रोड अगर है सरकार ने रोड बनाई है तो ज़रूरी नहीं है कि अपर सेक्शन ऑफ दीपल से, पीपल ही सिर्फ वही बंदे लोग रोड को रोड कंज्यूम कर मतलब उसी में गाड़ी चला सकते हैं वो नहीं हम देखते हैं कि रोड में जो ट्रेन जो रेलवेज हैं जो हम बुकिंग करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन ऑफ दोसाइटी के पीपल भी इन्वॉल्व इंक्लूड रहते हैं बस में ट्रेन में पार्कस में है कि नहीं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी नॉन राइवल कंजम्शन एंड नॉन रिजेक्टेबल ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर दॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक सेंसेस बेसिकली आपको क्वेश्चन पूछा गया रिगार्डिंग इकोनॉमिक सेंसेस ठीक है पहला स्टेटमेंट है इट इज कंडक्टेड बाई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस

इट इज बेसिकली कंडक्टेड बाई एम ओ एस पी आई दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है कि नहीं एंड इट कवर्स ऑल इंटरप्रिन्यूअर यूनिट्स विच इन्वॉल्व इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो डिफरेंट डिफरेंट पीपल इंडिविजुअल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंडिटीज ग्रुप ऑफ पीपल करते हैं जो इन्वॉल्व रहते हैं इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेदर इट इज ऑफ एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स तो इकोनॉमिक सेंसस बेसिकली क्या प्रोवाइड करती है एक डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि कंट्री के अंदर क्या क्या स्टेब्लिशमेंट हुई हैं क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं कितने नंबर ऑफ वर्कर्स कहाँ काम कर रहे हैं कितने नंबर ऑफ पीपल कहां काम कर रहे हैं इंप्लॉयड है कितने फिनेंस है, है, हुए हैं ओनरशिप कितनी हुई है तो ये क्या है इकोनॉमिक Census, जो कि एक डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि कंट्री में क्या क्या चल रहा है तो विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट दैट ए वन ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट है कि नहीं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी दिस इज क्वेश्चन नंबर सेवन ओके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस टर्म गिग वर्कर्स गिग वर्कर्स हम किसे कहते हैं ए वर्कर्स आउटसाइड द ट्रेडिशनल इम्प्लॉयर इम्प्लॉय रिलेशनशिप बी लेबर वर्किंग विदाउट अप्रोप्रिएट रेम्यूनोरेशन सी एन एम्प्लॉय विद रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर अ फिक्स पीरियड या फिर डी वर्कर्स नॉट कवर्ड बाई सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट या फिर नन ऑफ कोई भी नहीं है गिग वर्कर्स हम किसे कहते हैं <coughs> अगर हम गिग वर्कर्स की बात करें तो गिग वर्कर्स बेसिकली हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वर्कर्स को जो बेसिक प्रोजेक्ट्स के लिए काम करते हैं जैसे कि फ्री हो गए हैं मतलब डू नॉट वर्क फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट आर गिग वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा वर्कर्स आउटसाइड द ट्रेडिशनल इंप्लॉयर इंप्लॉय रिलेशनशिप दैट आर गिग वर्कर्स ठीक है फ्रीलांस हो गया इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्चुअल ओके ओके गाइस हमारा जो सेशन है वो यहीं पे ओवर होता है हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए आपने क्या करना है बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी रहता है कि हम क्लास के बाद हम पी कैसे डाउनलोड करें तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा अपने आप को तो फ्री वार्म अप कोर्सेज को हमारे रजिस्टर कीजिए फॉर दी पी मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि हाउ टू तो डाउनलोड दी पी जी हाँ पीडियस को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है आपको सर्च करना है अभी पीडिया रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम जब आप हमारे पोर्टल पे पहुंच जाओगे अभी पीडिया रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम आप जब आप सर्च करोगे तो आप हमारे पोर्टल पे पहुंच जाओगे ठीक है ये जो है हमारा अभी पीडिया रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम यहां पे आपने वीडियोस में क्लिक करना है ठीक है जब आप वीडियोस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो हमारे रिसेंट वीडियोज हुए हैं फॉर आर ठीक है RBI, वो आपको देखने को मिल जाएगा दैट इज सी दिस वन आर बी आई ग्रेड बी एग्जाम ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ये वीडियो जब आपको दिख जाएगा तो इस पर आपको क्लिक करना है किसी भी वीडियो पे आर बी आई का जो रिसेंट वीडियो हमारा हुआ है उस वीडियो पे आपको क्लिक करना है वीडियो पे आप जब स्क्रॉल डाउन नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे शो मोर का ऑप्शन दिखेगा आपको शो मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है फिर यहाँ पे आपका है रजिस्टर फॉर पीरियड फ्री वार्म अप कोर्सेज जो कि हमारे यूट्यूब पे जा रही है हमारी जो सेशंस हो रही है फ्री वार्म अप सेशंस है नहीं तो यहां पे आपको लिंक दिया हुआ है लिंक पे आपको टच करना है जब आप लिंक पे टच करोगे तो ये हमारा जो पोर्टल में आपको दिखेगा आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के सारे लेक्चर फ्री वार्म अप लेक्चर्स कंप्लीट कोर्सेज सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज टेस्ट सीरीज क्लास की पीडीएफ हर एक चीज हमारे पास अवेलेबल है जब आप नीचे जाओगे तो आपने क्या जाना है रीसेंट वीडियोस पे सी रिसेंट वीडियोज़ यहाँ पे आपको दिखेगा बट रीसेंट वीडियो पे जब आप क्लिक करोगे तो वो चीज़ नहीं खुलेगी जब तक आप यहाँ पे ये बटन नहीं दबाओगे दैट इज़ क्लिक हेयर टू अवेल हंड्रेड परसेंट डिस्काउंट जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे तभी आप हमारे वीडियोज पे जा सकते हो जैसे कि आपने क्लिक किया रजिस्ट्रेशन आपकी हो गई उसके बाद आपने वीडियो पे क्लिक किया तो हमारी जो वीडियो है वो यहां पे ओपन हो जाएगी आपके सामने सी ये जो हमारी वीडियो है आपके सामने ओपन हो गई है यहां पे आप देखिए क्लास पीडीएफ्स एंड डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे ठीक है तो सबसे पहले आपने क्या करना है रजिस्ट्रेशन करना ना भूलें जब आप उस रेड बटन को क्लिक करोगे तभी आप हमारे क्लास के जो भी पीडीएफ है आप उसको देख सकते हो डाउनलोड कर सकते हो ओके okay? तो आज का जो हमारा सेशन है गाइज वो यहीं पे होता है ओवर होता है हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए थैंक यू